आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की रिक्त हो रही यूपी कोटे की 11 सीटों में से दो और प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इससे पहले रविवार को 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी। इस प्रकार से भाजपा ने कुल 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सभी प्रत्याशी अंतिम दिन मंगलवार को यानी कि आज अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। पार्टी ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद निवासी डॉक्टर के लक्ष्मण को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। इसी तरह दलित वर्ग को भी समायोजित करते हुए दूसरे प्रत्याशी के रूप में सपा छोड़कर भाजपा में आए शाहजहांपुर के पूर्व सांसद मिथिलेश कुमार के नाम पर भी मोहर लगाई गई है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा के सभी प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं, वहीं आज सभी प्रत्याशी नामांकन भी दाखिल करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, नामांकन का समय क्या तय किया गया है कि तकरीबन कितने बजे तक सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो राज्यसभा के सभी 8 प्रत्याशियों के नाम भाजपा ने तय कर लिए हैं, वहीं आज अंतिम दिन सभी प्रत्याशी अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। वहीं इस दौरान ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान सभी प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान उनके साथ रहेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए एक बार फिर हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आज सभी प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे तो तकरीबन कितने बजे का समय निर्धारित किया गया है नामांकन के लिए? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बताते चले कि राज्यसभा के सभी 8 प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं, वहीं आज आखिरी दिन सभी प्रत्याशी अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के राजस्थान से राज्यसभा में पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी होते ही रामपुर खास जश्न में डूबा दिखा। वही प्रमोद तिवारी और क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना के समर्थकों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली, जबकि तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने प्रमोद तिवारी के राज्यसभा सदस्य के दोबारा निर्वाचित होने की जानकारी पर जमकर खुशी का इजहार किया और प्रमोद तिवारी के राज्यसभा में भेजे जाने के फैसले को लेकर कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का भी आभार जताया है। तो इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पूरा रामपुर खास जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा है और जो जनता का आशीर्वाद है रामपुर खास की, उसकी बदौलत कार्यकर्ताओं का जो जिनकी शुभकामना है, उनका आशीर्वाद है, उसकी बदौलत नेतृत्व ने उनकी निष्ठा को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि बाबा घोषनाथ के प्रति जो उनकी अगाध श्रद्धा है, वह भी इसमें एक महत्वपूर्ण है निष्ठा का ये मिला है। आज उनको राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में राजस्थान से उनको कांग्रेस हाईकमान ने लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने लोनी विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका में हुए घोटाले की आवाज जब विधानसभा में उठाई तो उसकी गूंज गाजियाबाद में भी देखने को मिली। गाजियाबाद लोनी थाने में पूर्व अधिशासी अधिकारी, चेयरमैन और तैनात लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में आरोप है कि नगर पालिका लोनी में कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला करते हुए विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई थी, जिस पर तत्काल एक्शन लेते हुए लोनी के वर्तमान अधिशासी अभियंता शालिनी गुप्ता की शिकायत पर लोनी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आपको बता दें कि विधानसभा में उठी घोटाले की गूंज अब नगर पालिका परिषद कार्यालय तक भी पहुंच चुकी है। वहीं इस मामले पर तत्काल एक्शन लेते हुए लोनी के वर्तमान अधिशासी अभियंता की शिकायत पर लोनी थाने में पूर्व चेयरमैन समेत कई अन्य ऐसे अधिकारी हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आपको बताते चले कि एक बड़ी खबर इस वक्त गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां
लखनऊ के विधानसभा में उठी घोटाले की गूंज, अब गाजियाबाद के विधान नगर पालिका परिषद कार्यालय तक पहुंच गई है, जहां कई फाइलें गायब मिली। धोनी के इतिहास में ये बहुत शर्मनाक घटना है कि सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ और उस घोटाले में जिस तरह से अधिकारियों की और सफेदपोश की जो मिलीभगत सामने आई, जनता हमें इसलिए चुनती है कि हम लोगों के रहनुमा बनकर के उनके दुख तकलीफ में शामिल होकर के उनके दुख तकलीफ को कम करें। जो आज सड़कों के हालात है लोनी में, जो घटिया क्वालिटी की जहाँ बनी भी है, लोगों के मकान नीचे हुए, कोई प्लानिंग नहीं की गई और आज भी गहरे गहरे गड्ढे लोनी में हैं। अगर ये पैसा लोनी में लगा होता तो आज लोनी खूबसूरत होती, दिल्ली से सुंदर होती। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर चर्चा के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विरोध में मुस्लिम धर्मगुरु भी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं मुरादाबाद के मुस्लिम धर्मगुरु सैयद आलिम उल कादरी का कहना है कि नुपुर शर्मा के बयान से सरेआम मुसलमान जो है वो आहत नजर आ रहे हैं और सभी के अंदर गुस्से का माहौल बना हुआ है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और मुसलमान भाई पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी पैगंबर इस्लाम रहमत आला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हमारी उम्र मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में गुस्ताखी की है, वो उससे पूरे मुसलमान गमगीन हैं और उनके दिलों में गुस्से का एक तूफान सा आ गया है और जिसमें मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा करना चाहता हूँ, जो लोग नफ़रतों का जहर इस मुल्क हिंदुस्तान में घोलना चाहते हैं, गंगा जमनी तहजीब को जो ख़राब करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में आगरा के सक्षम गोयल ने 22 साल की उम्र में कामयाबी हासिल की है। आवास विकास कॉलोनी के सक्षम गोयल ने 27वीं रैंक हासिल करके शहर का नाम रोशन किया है। सक्षम गोयल ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में सफलता हासिल की है, वहीं उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है। अभी तो रियलाइज करने का टाइम ही नहीं मिला है, बट आई एम रियली रियली हैप्पी। चैलेंजिंग से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहा, बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी, बट उसके अंदर फैमिली काम आती है। देखिए, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि जो पास्ट ईयर टॉपर्स हैं वो अपने लेक्चर्स देते हैं, उन लेक्चर्स को देखिए, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखिए और उस हिसाब से अपने ऊपर एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाइए। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ। बहुत खुशी की बात है, मैं इससे हमेशा ये कहता रहा कि किसी दबाव में कोई काम मत करना। जब इसने 10th पास किया, 12th पास किया, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। इसकी इच्छा थी 3 महीने के लिए हार्वर्ड में जाने के लिए अमेरिका में, मैं इसे लेकर गया, वहाँ पे भी इसने बहुत अच्छा किया। तो कभी भी बच्चों के ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपिए मत, जो उसकी इच्छा है उसे करने दीजिए और फ्री हैंड दीजिए, तो हमेशा बच्चे एक्सेल करेंगे। आज सच में बहुत खुशी का माहौल है, हम सब उम्मीद कर रहे थे कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करेगा इस एग्ज़ाम को। वी वर प्रिटी श्योर कि ये कर लेगा, इसलिए हमने इसको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी कभी फोर्स नहीं किया कि सेकंड अटेम्प्ट देना। अभी तो रियलाइज करने का टाइम। फिरोजाबाद में एसओजी टीम और थाना उत्तर पुलिस की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इस एक्शन के दौरान पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चुराने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस गैंग के अन्य फरार सदस्यों की भी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वह इस दौरान पकड़े गए चोरों के कब्जे से 2 चोरी की कार समेत चोरी की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई में एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। वही इस कार्रवाई के दौरान वाहन चोर गिरोह का पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किया गया है। मुरादाबाद के थाना भोजपुर इलाके में बीते 24 मार्च को रमेश का हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने फरार चल रहे 3 इनामी बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मृतक रमेश और उसका परिवार युवती के अवैध संबंधों का विरोध करता था, जिसके बाद युवती ने अपने पति की ही हत्या करवा दी।
एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी ग्राम बिजना के जंगल में। इस सूचना पर थानाध्यक्ष पहुँचे, जब जानकारी की गई चुस्की और मनोज के द्वारा इसकी हत्या की गई है और हत्या करके डेड बॉडी छिपा दी गई थी। इसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और इन दो अभियुक्तों के विरुद्ध के ऊपर इनाम रखा गया था और ये तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। विस्तृत पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि चुस्की का संबंध मृतक की पत्नी से था। मृतक की पत्नी के कहने पर चुस्की के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस ने कच्ची शराब बनाने और बेचने वाले 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 आरोपी बेचने और बनाने का काम करते थे तो वहीं 11 आरोपी शराब खरीदने वाले ग्राहक लाते थे। सभी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए घटना का खुलासा किया है। आरोपियों के पास से 65 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण सहित अन्य माल भी बरामद किए गए। यहाँ एक जिसको पुराना नाम भातु कॉलोनी था और अभी इसको आदर्श नगर कहा जाता है, हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि वहाँ जो अवैध गतिविधियाँ खासतौर पर जो अवैध शराब का निर्माण और बिक्री की जाती है उस पर प्रभावी प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही जो लोग पीढ़ियों से इस काम में लगे हुए हैं उनको हम लोग किसी अन्य काम की ओर उन्मुख कर सकें, उनको मुख्य धारा में ला सकें, उन्हें अपराध से दूर कर सकें। इसी प्रयास के तहत हम लोगों ने एक टीम का भी गठन किया है और साथ साथ निरोधात्मक कार्रवाइयाँ और कम्युनिटी पुलिसिंग दोनों को मिला जुला प्रयास हम लोग। बदायूं के रिजोला गांव में कुछ दिन पहले ठाकुर जगमोहन सिंह और उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद उन्हीं की जगह में कुछ लोगों ने निर्माण कराना शुरू कर दिया था। ग्रामीणों के पूछने पर निर्माण कर रहे राजमिस्त्री ने बताया कि खेत मालिक और उनकी पत्नी की समाधि स्थल यहां बनाई जा रही है, लेकिन निर्माण होने के बाद समाधि नहीं बनकर मजार पर चादर चढ़ी हुई पाई गई तो ग्रामीण चौकन्ने रह गए और दर्जनों लोगों ने मौके पर पहुंचकर मजार का विरोध किया। वही एसओ ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने का भी आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। एएमयू में छात्रों ने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के मामले में कैंटीन से लेकर बेब सैयद गेट तक मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सांप्रदायिक तनाव भड़काने का काम किया है, जिसको लेकर छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन SDM को सौंप कर नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। देखिए, आज का जो मौजूद था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहरमती की गई है, BJP की जो एक लेडी है स्पोर्ट्स पर्सन जिसने बहुत गलत अल्फाजों को यूज़ किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो आज हम उसी की मजम्मत करते हुए और उसको एक अरेस्टिंग की मांग रखते हुए अपनी इस बाबा सैयद गेट तक आए लाइब्रेरी कैंटीन से। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो BJP स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा हैं, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, हम 2014 से ये देख रहे हैं जब से BJP गवर्नमेंट जो है हुकूमत में आई है, लगातार मुस्लिम एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, कभी लिंचिंग के नाम पर, कभी किसी दूसरे मौजू पर के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद, और हद तो अभी हो गई, इनफ इज़ इनफ। और हम हुजूर की शान में गुस्ताखी कतान बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमारा जो आज मकसद था प्रोटेस्ट निकालने का वो बाबे लाइब्रेरी कैंटीन से लेकर बाबे सैयद तक का सिर्फ यही था कि नुपुर शर्मा जो BJP स्पोक्स पर्सन है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मुतालबा ये है कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुरा भला कहा, यानी किसी रिलीजन को लेकर वो टारगेट कर रही हैं और BJP बैठी तमाशाई देख रही है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या हिंदुस्तान की ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है कि नहीं है कि किसी भी रिलीजन को लेकर इस तरह से बुरा भला कह रही हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो अजवाज हैं और उनकी बीवी थी और इस तरीके से उनके ऊपर बुरा भला कह रहे। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि औरतों को पूजा किया जाता है, जिस मुल्क में औरतों की पूजा होती है उसी मुल्क के अंदर एक औरत के लिए इस तरीके से बुरा भला लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। और इस
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।